अनेकांत में द्वाद सांगी बखानी नमो लोक माता श्री जैनवाण वैरागी आचार्य ओबा जाए साधु दर्श ज्ञान भंडार समता आराधो नगन वेश धारी सुएका बिहारी निजानंद मंडित मुगद पद प्रचारी विदे क्षेत्र में तीर्थंकर विसराज विरहमान बंधु सवे पाप भाज नमो सिद्ध निर्वे निरामे सुदामे अनाकुल समाधान सेजा विरामे देव सागर तू तीर्थंकर सिद्ध हृदय विजय धर ले रे पूजन ध्यान गान गुरु करके भव सागर जय तर ले रे तीन लोक के मन लाओ चैत भक्ति आलोचन चाहो कायो संग अग्नासन है कितमा कितम तीन लोक में रायत है जिन बिंब गने चतुर्न काय के देव जेले अष्ट द्रव्य निज भक्ति समेत निशक्ति अनुसार यजो में कर समाधि पाहु शिव के सह पूर्व अपराह की वेला पूर्वाचार के अनुसार देव वंदना करो भाव से सकल कर्म की नाश पंच महागुरु सुमरण करके कायो संग करो सुखकार सहज स्वभाव सुतलक अपना जाऊंगा अब मैं बप्पा जलिम छिपे दो काय उसर्ग करो मैं हम नोबाड मुकार मंत्र का जाप करें सारिता को अर्ग करो तुम्हें को अरे पोम अवतार भवतरे मोक्ष वरो चौबीसों श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जय जयत हरत भव पंद पावत मोक्ष महे ओम ह्रीम चतुर्विंशति तीर्थंकर विश्वादि वीरांति अर्घंद्रो पामेति सुचि निर्मल नीरम गंधेषु अक्षते पुष्पे चरुले मन हरसा दीप धूप फल अर्घ्य शूले करे नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन बच काए हो करुणानिधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभु पाए ओम ह्रीं मूलाय प्रथम तीर्थंकर देवादि देव श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः जलादि अर्घ्यम द्रोपामीति सह बोलिए श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय भगवान के निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव की जय निकालने चारु चरण चरण आचरण चरण चित्त श्री चंदनाथ द्वितीय चंद निकालने आइए स्थापना करते हैं प्रारंभ करें पंडित जी पेज नंबर अपनी अपनी अलग अलग जनवाणी है सबकी निकाल लें पूजन पाठ प्रवीण में निकाल लेंगे 18 प्रारंभ करते हैं बड़े भक्ति भाव से अरे ऐसा ही दो बरदान की जिन पर पाए जन्म दोबारा रोम रोम से राम राम से निकले जिनवर नाम तुम्हारा अनाम तुम्हारा ऐसा दो वरदान की जिन पर हो ऐसा दो वरदान की भगवान पाए जन्म दोबारा राम राम से निकले जिनवर नाम तुम्हारा अनाम तुम्हारा सब पुंड उदय से ही प्रभु वर दर्शन तेरा कर पाते केवल दर्शन से ही प्रभु कृत पाप मेरे कट जाते तेरे के चंद्र प्रभु स्वामी आह्वानन करने आया हूँ मम हृदय कमल में आतिष्टो तेरे चरणों में आया हूँ ऐसी भक्ति करो प्रभु की होए जन्म दोबारा ऐसे राम राम से निकले जिनवर नाम तुम्हारा अनाम तुम्हारा ओम ह्रीं श्री चंद प्रभु जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शमो षडित्यावाननम ओम ह्रीं श्री चंद प्रभु जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम ह्रीं श्री चंद प्रभु जिनेन्द्र अत्र मम सन्नितो षट् सन्निधिकरणम पुष्पांजलिम क्षिपेतो चलते आइए नाम तिहारा तारण हारा कब तेरा दर्शन होगा
तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारनहारा, भोगों में फंस कर हे प्रभु वर, जीवन को प्रथा गवाया है। इस जन्म मरण से मुझे नहीं छुटकारा मिलने पाया है। मन में कुछ भाव उठे मेरे, जल झारी में भर लाया हूँ। मन के मिथ्या मल धोने को चरणों में तेरे आया हो, चरणों में तेरे आया हो। ओम ह्रीं श्री चंद प्रभु जनिंद्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलम द्रवपामि सहा नियंतन शीतल करने को चंदन किस कर लिया। जय हो। मन शांत हुआ ना इससे भी, तेरे चरणों में आया गो। क्रोधादि कसायों के कारण संतप्त हृदय प्रभु मेरा है। शीतलता मुझको मिल जाए, हे नाथ सहारा तेरा है। लेकिन बहुत सुंदर भाव है पूजन के, नीचे वाली दो लाइन आप सभी लोग भी पढ़ेंगे। ओम ह्रीं श्री चंद प्रभु जनिंद्राय नमः। संसार ताप विनाशनाय चंद्रम द्रोपामि। पूजा छह पद पाने आया हो, ओम ह्रीं श्री चंद प्रभु जनिंद्राय नमः। अक्षय पद प्राप्त स्थान द्रोपामि। परगंध मिटाने को प्रभु बन वह पुष्प सुगंधी लाया, तेरे चरणों में अर्पित कर तुम सही होने आया। श्री चंद्र प्रभु ये अर्ज मेरी भव पार लगा देना। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जनिंद्राय नमः। काम बाण विध्वंसने पुष्पम द्रोपामि। दुख देती है तृष्णा मुझको कैसे छुटकारा पाऊं, हे नाथ बता दो आज मुझे चरणों में शीश झुकाऊं मैं। हे छुदा मिटाने को प्रभु वर ने वेद बना कर लाया हूँ, हे नाथ मिटा दो छुदा मुरी भवों में भरता है। ओम ह्रीं चंद्र प्रभु जनिंद्राय नमः। क्षुधा रोग विनाशाय निवेद्यम द्रोपामि। यह दीपक की ज्योति प्यारी अंधियारा दूर भगाती, पर यह भी नश्वर है प्रभु वर झंझा इसको धमकाती है। चंद्र प्रभु दे दो ऐसा दीपक ज्ञान मिटा डाले, मो अंधकार हो नष्ट मेरा यह ज्योति नहीं मन में वाले। ओम ह्रीं चंद्र प्रभु जनिंद्राय नमः। मोहंधकार विनाशने दीपम द्रोपामि। सहा शुभ धूप दसांग बना करके पापक में खेओ, हे प्रभु छे कर्मों का प्रभु हो जा जग का झंझट सारा नश्वर। चंद प्रभु अंतर्यामी कैसे छुटकारा अब पाऊंगे, नाथ बता दो मार्ग मुझे चरणों पर बलि हरि जाऊं। ओम ह्रीं चंद प्रभु जनिंद्राय नमः। अष्ट कर्म दहनाय धूपम द्रोपामि। सहा पिस्ता बदाम लवंगा जग भर थाले प्रभु में लाया, चरणों में नाथ चढ़ा करके अमृत रस पीने आया हो। ओम ह्रीं श्री चंद प्रभु जनिंद्राय नमः। महामोक्ष फल प्राप्ते फलम द्रवपामि। जल चंदन अक्षत पुष्प चरो दीपक ग्रत से भर लाया, इस दस गंध धूप फल मिला अर्गले स्वामी अति हर्षाया। हे नाथ अनर्घ पद पाने को तेरे चरणों में आया हूँ, भव भव के मन कटे प्रभु वह कहे अर्घ सुनाने आया हूँ। ओम ह्रीं चंद प्रभु जनिंद्राय नमः। बोली भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की। होमा ने सपना जो देखा आधी रात को, महलों खुशियां छाई थी आधी रात को। होमा ने सपना जो देखा अगली रात को, महलों खुशियां छाई थी आधी रात को। ऐसे सपने ना देखे कभी रात को, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को। महलों खुशियां
पहलो खुशियाँ चाही थी आधी रात को। जब गर्भ में प्रभु जी आए थे इंद्रो ने नगर सजाया था, छह मास प्रथमी आकर के रत्नों का में बरसाया था। तिथि चैत्र बदी पंचम प्यारी, जब गर्भ में प्रभु जी आए थे, लक्ष्मणा माता को पहले ही 16 सपने दिखलाए थे। ओ कैसे सपने ना देखे कभी रात को, महलों खुशियाँ चाही थी आधी रात को। ओम ओम ह्रीम जय कृष्णा पंचम्याम गर्भ कल्याणक प्राप्ति चंद प्रभु जी निंद्र यर खंद्रो पामी। बोली भगवान के जन्म कलक महोत्सव की, शुभ बेला में प्रभु जन्म हुआ, बदी पौष एकादशी थी प्यार, श्री आसेन नप के घर में हुई जय जयकार बड़ी बार। पांडुक शिला पर सेक कियो, सब देव मिले थे चतुर्न का, सौजिन चंद्र जयो जगमाय, विघ्न हरण और मंगल दाय। ओम नी बोझ के सी एकादशी आम चंद्र प्रभु जी निंद्रे जन्म कल्याण प्राप्ति हर घंद्रो भामी। जग के झंझट में मन उबा, तप कीले सृजन ने ठहरा, पौष बदी ग्यारस को इंद्र ने तप कल्याण कियो हरसा। सर्व दुख बन में जाए बिना, जे केस लोज जिन कियो हरसा, तेरे केसरी चंद्र प्रभु को अर्घ चढ़ाओ नित्य बनाओ। ओम नी बोझ के एकादशी आम चंद्र प्रभु जी निंद्रे तप कल्याण प्राप्ति हर घंद्रो भामी। फाल्गुन बदी सप्तमी के दिन, चार घातियां घात महा, समम शरण रचना हर के ने, ता दिन पायो केवल ज्ञान, साढ़े आठ योजन परम दिता, समम शरण श्री जिन भगवान। ऐसे श्री जिन चंद्र प्रभु को अर्घ चढ़ाए करो नित ध्यान। ओमी भागवत कृष्ण सप्तम्याम केवल ज्ञान प्राप्ति चंद्र प्रभु जिन इंद्र अर्घंद्रो पामी। शुक्ला बोले भगवान की मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, एक भगवान का आप इस चीज का बड़ा गर्व महसूस करेंगे। आप कैलेंडर उठा करके देख लो, पूरे कैलेंडर में 365 दिनों में सैकड़ों हजारों जन्म जयंती मिल जाएंगी आपको, हजारों जन्म जयंती कैलेंडरों से भरी मिलेगी आपको, किसी के निर्माण का उत्सव नहीं मिलेगा। मात्र 24 तीर्थंकर जैन संप्रदाय एक ऐसी संप्रदाय है जो निर्माण का उत्सव मनाती है। अन्यत्र संप्रदायों में जन्म का उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन जहां पर निर्माण और मृत्यु की बात आती है वहां पर रोते हैं, बिलाप करते हैं, ऐसा पढ़ने में आता है। लेकिन हम जैन संप्रदाय वाले इतना उत्सव मनाते हैं कि बड़े बड़े लड्डू बना करके भगवान के चरणों में यहां पर समर्पित करते हैं। आए उसी श्रृंखला में आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान की हम निर्माण लड्डू समर्पित करेंगे। निर्माण कांड सभी लोग निकाल लें अपनी जन्मवाड़ी में। निर्माण कांड हिंदी वाले निर्माण कांड भाषा और लड्डू मंगवा लें। लड्डू जो है सबके पास भिजवा दें, बड़ा लड्डू ले लें, बड़े लड्डू के ऊपर कपूर रख लें थोड़ा सा, सभी खड़े हो जाएं। निर्माण कांड चरम सरी पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत जिनेश्वर बीस, भाव सहित बंदों ने सिदे, बर दत्त राय रु इंद्र मुनिंद्र, सायर दत्त आदि गुण वृंद, नगर तार वर मुन कुट कोड़े, बंदो भाव सहित कर जोड़, श्री गिरनार शिखर सुविशाल, उन बहत्तर अरसो साम, शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वि भाई, अनिरुद्ध आदि नमित दुसत, रामचंद्र के सुत द्वेबी, लाड नरेंद्र आदि गुण धी, आंशिकोण मुनि मुक्ति मझा, पावागिन बंदो निर्धा, पांडम तीन द्रविड़ राजा, आठ कोड़े मुनि मुकत पया, श्री शत्रुंजय गिरि के शीस, भाव सहित बंदो निसदी, जे बल भद्र मुकत में गए, आठ कोड़े मुनि और बहु, श्री गज पंत सिखन सुविशाल, तिनके चरण तहूं तिनका, राम हनु सुग्रीव सुडी, गवे गवा के नील महाने, कोण निन्याण में मुक्ति पयान, तुंग गिरी बंदो धर ध्यान, नंग अनंग कुमार सुजान, पांच कोण अरु अर्ध प्रमा, मुक्ति गहे सोनागिर सीस, देवंदो त्रिभुवन पतिस, रावण के सुत आदि कुमार, मुक्ति गहे रेवा तटसा, कोट पंच अरु लाख पचास, देवंदो धर परम होलान, रेवा नदी सिद्ध बन कुण, पश्चिम दिशा देह जह छोड़, द्वे चक्री दस काम कुमार, उठ कोणे बंदो भव पा, बड़वानी बड़ नैवा, अचला पुर की दिस ईसा, जहां मेण गिरि नाम प्रदान, साढ़े तीन कोणे मुनि राय, तिनके चरण नमो चित लाय,
वंशस्थल वन के ढिंग होय, पश्चिम दिशा कुंत गिरि सोय, कुलभूषण दिस भूषण नाम, तिनके शरणन करो प्रणाम। दशरथ राजा के सुत कहे, तेस कलिंग पांच सौ लहे, कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण, वंदन करो जोड़ जुग पान। समभ शरण श्री पार्श्व जी नंद, प्रेसंद गिरि ने नानंद, वरदत्तादि पंच ऋषि राज, ते वंदो नित धर्म जिहान। तीन लोक के तीरथ जहां, नित प्रति वंदन कीजे तहां, वन बच काहे सहित सिर नाय, वंदन करहि भविक गुण गाय। सम्मत सतरे सो एक ताल, अश्विन सुदि दशमी सुविशाल, वैया वंदन करहि त्रिकाल, जय निर्वाण कांड गुणमाल, जय निर्वाण कांड गुणमाल, जय निर्वाण कांड गुणमाल। सुकला फागुन शतमी के दिने ललित कोट शोभे उत्तम थान, श्री जिन चंद प्रभु जगनामी, पायो आत्म शिव कल्याण। बसुकर्म जिन चंद्र ने जीते, पहुँचे स्वामी मोक्ष मजा, निर्वाण महोत्सव कियो इंद्र ने, देव करे सब जय जयकार। देखिए वो मंडप है, उस पर नहीं चढ़ाएंगे, ध्यान रखना, ये मंडप है जो आगे बना हुआ है वहां पर चढ़ाएं। बड़ी भक्ति के साथ के हे चंद्र प्रभु भगवान, जिस प्रकार से आपने ललित कूट से मोक्ष को प्राप्त किया है, उसी प्रकार से हम भी कर्म क्षय करके उस निर्वाण को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना के साथ अर्घ समर्पित करें। ओम ह्रीं फागुन शुक्ला सप्तम्यां मोक्ष कल्याण प्राप्ते चंद प्रभु जिनेन्द्राय नमः, जलादि महार खम्द्रपामी। अरे खुल गए मोक्ष के द्वार प्रभु जी के चरणों में, खुल गए मोक्ष के द्वार प्रभु जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में, प्रभु जी के चरणों में। अरे खुल गए मोक्ष के द्वार प्रभु जी के चरणों में, खुल गए मोक्ष के द्वार प्रभु जी के चरणों में। ओम बोली भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की। वो गुण कहाँ से लाओ तेरी याद वो मिटा दे, वो गुण कहाँ से लाओ तेरी याद वो मिटा दे। ए मोक्ष जाने वाले प्रभु, ए मोक्ष जाने वाले प्रभु, राह तो दिखा दे। वो गुण कहाँ से लाओ तेरे याद वो मिटा दे। श्रावण सुदि दशमी को प्रभु प्रतिमा, प्रगट बहि तेरे में अन संबत तेरे दो, सहस्त्र ऊपर सु बृहस्पति ता दिन जा। जय जय कार्य हुई देहरे में, प्रगट हुए जब श्री भगवान, चरणों में अर्घ चढ़ाओ प्रभु के दर्शन सुख के पाओ। मैं भी हूँ नाथ शरण आया, कर्मों ने मुझको रोदा है, यह कर्म बहुत दुख देते, प्रभु एक सहारा तेरा है। कभी जन्म हुआ कभी मरण हुआ, वे नाथ बहुत दुख पाया गए, कभी नरक गया कभी स्वर्ग गया, ब्रह्मता ब्रह्मता ही आया गए। तेरी अंश गति के दुख सही, ये जीवन बहुत लाया है, पशुगत में मार सही भारी, बोजानक खूब बगाया है। अंजन से चोर अदम तारे, भव सिंधु से पार लगाया, सोमा की सुनकर तेरे प्रभु नाग को हार बनाया। मुनि समद भद्र को हे स्वामी आ चमत्कार दिखलाया, कर प्रभु महिमा को नमस्कार, चरणों में शीश झुकाया। इस पंचम काल में हे स्वामी क्या अद्भुत महिमा दिखलाए, दुख दुखियों को हरने वाले तेरे में प्रतिमा प्रगटा, सब पुण्य उदय हे प्रभु धन तेरा कराया। इस मोह जाल से हे स्वामी छुटकारा पाने आया हो, हे चंद्र प्रभु मोर अर्ज सुनो, चरणों में तेरे आया, भव सागर पार करो स्वामी ये अर्ज सुनाने आया हो। देखिए बोले चंद्र प्रभु भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान का अपने आप में एक विशेष महत्व है। जब आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने स्तुति की, जब आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी ने आराधना की, तो वहां पर चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा ही क्यों प्रकट हुई? शांतिनाथ की हो सकती थी, पार्श्वनाथ भगवान तो और ज्यादा फेमस है, उनकी हो सकती थी, महावीर भगवान की हो सकती थी, चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा की क्यों प्रकट हुई बताइए, कोई बताएगा? स्वयं स्तोत्र किया हुआ ठीक है, लेकिन चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा की क्यों प्रकट हुई? और किसी तीर्थंकर आदिनाथ का सबसे पहले नाम लिया,
पदम प्रभु किसी और की हो सकती थी, लेकिन चंद प्रभु भगवान की ही प्रतिमा क्यों प्रकट हुई बताइए? उन्होंने 24 भगवान की स्तुति की और जैसे ही उन्होंने पढ़ा कि चंद प्रभम चंद मरीचि गौरम, चंद प्रभु का नाम लिया और अपने मस्तिष्क को झुका दिया, तो वहां पर चंद प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। अगर वो पार्श्वनाथ भगवान का नाम स्मरण करके सर को नमस्कार करते तो वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट होती है। ये शक्ति है। पहले चमत्कार के लिए स्वयंभू स्तोत्र तो तब पढ़ा ना उन्होंने, स्वयंभू स्तोत्र में उन्होंने चंद प्रभु भगवान की आराधना की फिर वहां पर नमस्कार किया, ऐसा विधान पढ़ने में आता है। चले ओम ह्रीम श्री चंद्र प्रभु जी निंद्राय नमः अनर्क पद प्राप्ति अर्घम जय माला पूर्णमार्घम द्रोपामिति स्वाहा। धीरे केसरी चंद्र का भाव सहित जो ध्यान, मुंशी पावे संपदा मन वांछित पल पाए। इति आशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे तो वसुदेव समारी, तुम डिगधारी आनंदकारी दिग प्यारी, तुम हो भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनाए। श्री शांति जी ने समन दिस क्रे सम ब्रश के सम चक्रे सम अनि अनि चक्रे सम हे गुरु दे सम दया मृते सम मक्रे सम। ओम रीम शांति विदाता शांति राज निंद्रय अर्घम द्रोपामिति। संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर से आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में बिखरा। मैं अष्ट द्रव्य से पूजा का शुभ थाल सजा कर लाया हूँ, जो पदवी आपने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। ओम रिमय चंद्र पार्श्वनाथ जिनेन्द्रय अर्घम द्रोपामिति। जल फल बस सजग में था रितन मन मोद धरो गुण गाँव में। जत पाप हरो श्री वीर महाति वीर, सनमति नायक हो जय वरद मान गुण दी सनमति दायक हो। ओम ह्रीम शासन नायक महावीर जिनेन्द्रय नमः जलादि अर्घम द्रोपामिति। हो शुद्धि निराकुल से तो संभव लोके हमारा वाशाना, त्रिपुरा गुरु देश लगे पीछे यादि शिव पद को पायाना। निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ सजो कर लाया हो, हे बाहुबले तुम चरणों में सुख सन्मति पाने आया हो। जल फल आठों दरव चढ़ाए, ध्यान ते व्रत करो मन लाय, परम गुरु हो परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। धर सुब शुद्धि भावना भाए, सोले तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होए परम गुरु होए, परम गुरु हो। ओम ह्रीम दर्शन विशुद्धि आदि षोडश गाणे पुनमार घम द्रोपामी। आठ दरब मई अर्घ मनाए, नानत पूजो श्री जिन राय, महा सुख हो महा सुख हो, देखे नाथ परम सुख हो। पांचों मेरु असी जिन धा, सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम, महासुख हो महासुख हो, देखे नाथ परम सुख हो। ओम ह्रीम पंचमे ऋषमंडी जिनचे तेलस्त जिन बिंबी पुनमा जलादि अर्घम द्रोपामिति। यह अर्घ कियो ने अष्टानिका महापर्व की, बोलिए नंदीश्वर दीप की जय। चले अब हमें कहाँ चलना है, कौन सा दीप है? हमें सकतिसु ना ही यहाँ पर स्थापना, क्योंकि हम वहां पर नहीं जा सकते हैं, इसलिए भगवान उसकी स्थापना हम यहीं पर करते हैं। हाँ हाँ सही बात है, बहुत अच्छा, चलिएगा। अब तो इंद्र हैं, चले देवास चतुर्णी काया जो चार प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी वेंत्र कल्पवासी और ज्योतिषी, वो विशेष प्रकार की आराधना करते हैं अष्टानिका में नंदीश्वर की। चले आइए प्रारंभ करते हैं पंडित जी। अष्टानिका ये पर्व सुहाना लगता है, पूजन कर लो मन दीवाना कहता है। अष्टानिका ये पर्व सुहाना लगता है, दर्शन कर लो मन दीवाना कहता है।
बुंद कुटी में देखो प्रभु विराजे हैं, दर्शन कर लो मन दीवाना कहता है, कद चक्र का पाठ सुहाना लगता है, पूजन कर लो मन दीवाना कहता है, सर्व परब में बड़ो अटाही परब है, नंदीश्वर सुरजाय लिए वसुधरब है, हमें सकत सोना यहाँ करता अपना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित अपना, इनके चरणों में जमाना झुकता है, दर्शन कर लो मन दीवाना कहता है। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशु द्विपंचाशदिनालय जपतमाभ्यो अत्रे उत्तरोत्तर शमोषडित्यावाननम् ओम ह्रीं नंदीसोटीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशु द्विपंचाशदिनालय जपतमा शमो अत्युत्तिष्ठ तिष्ठ ठाटा स्थापनम् ओम ह्रीं नंदीसोटीपे द्विपंचाशदिनालय जपतमा शमो उत्तरमं चन्नितोषचन्द्रीकरणं पुष्पांजलिं क्षिपेतो कंचन मणि में भृंगार तीरथ नीर भरा त्योदार दही निर्बार चमन मरन जरा बोलिए लगी रे मेरी लगी प्रभु से डोर ये दुनिया क्या जान मेरी लगी प्रभु से डोर ये दुनिया क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिला प्रभु का प्यार ये दुनिया क्या जान मेरी लगी प्रभु से डोर ये दुनिया क्या जाने उत्तम अक्षत जिन राज पुंज धरे सोए सब जीते अक्ष समाज तुम सम अर्गोय नंदीश्वर सिर जिन धाम बाबन पुंज कर पशु दिन प्रतिमा अविरा आनंद भाविधर नंदीश्वर दीप महान सारो दिस सोए बाबन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। देखिए जब हम नंदीश्वर की पूजन करते हैं द्रव्य समर्पित करते हैं द्रव्य भी थाली में चार दिशा में समर्पित करना चाहिए। जब मंत्र आता है पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर इस प्रकार से क्योंकि चारों दिशाओं की जनालयों की हम यहाँ पर आराधना करते हैं। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशु दीप पंचाश जनालय जपतमाभ्यो नमः अक्षय पद प्राप्त स्थान रोपामि सहा तुम काम बिना सकते ध्यान फूलन सो सौसी लक्ष्मी ए छोटो सूलन सो नंदीश्वर सिर जिन धाम बाबन पुंज कर बस दिन पति मा अविराम आनंद भावे दर नंदीश्वर द्वीप महान चारों दिस सोहे बावन जिन मंदिर जा इंद्रिय बलकार सो तुमने चोरा चरो तुम ढिंग सोए सार अचरज है पूरा नंदीश्वर सिन जिन धाम बावन पुंज कर बस दिन पति मा अविराम आनंद भावे दर नंदीश्वर दीप महान चारों दिस सो बावन जिन मंदिर जान सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशु द्वीप पंचाशदिनालय जपतमाभ्यो नमः क्षुधारोग विनाशने निवेद्यं द्रोपामि सहा दीप से दीप जलाते चलो प्रभु जी की पूजा रचाते चलो प्रभु जी की पूजा रचाते चलो दीपक की ज्योति प्रकाश तुम धन माहिल से टूटे कर मन की रात ज्ञान कड़ी दर से नंदीश्वर सिन जिन धावे बाबन पंज करो पशु अविरा आनंद बाब दरो नंदीश्वर दीप महान चारों दिस सोए बाबन जिन मंदिर जा सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीप ओम श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशु द्वीप पंचाशदिनालय जपतमाभ्यो नमः मोहंधकार विनाशनाय दीपं द्रोपामिति सहा ओ चांद तारों से पूछा है दुनिया वालों से पूछा है मनु मंदिर बना मेरा इसे तूने संभाला है चंदा तेरे चरणों को कहाँ छोड़ के जाना है कसना अगर धूप सुबह दस दिस नार भरे अति हरस भाव पर का मानो नहत करे नंदीश्वर सिर जिन धाम बावन पुंज करो वसु दिन प्रतिमा अविराम आनंद भावे दरो नंदीश्वर दीप महान चारो जित सोए पावन जिन मंदिर जा नसुर नर मन मोहे। ओम
ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशु द्विपंचाश जनालाभ्यो नम अष्टकरम दहनाय धूपम द्रोपामिति स्वाह बहुविधि फल लेते हो काल आनंद राजते तुम सिंपल दे हो दयाल कोई हम जाचते नंदीश्वर द्वीप महा नंदीश्वर सृजन धाम बाबर पंज करो बस दिन पति मा अभिराम आनंद भावि दर नंदीश्वर द्वीप महान चारो दिशोए बाबन जिन मंदिर जान सुरण मन मोहे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशु महामोक्ष फल प्राप्ते फलम द्रोपामि स्वाहा जिन पर की कृपा जिस पे हो जाए बाबा की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए जिन पर की कृपा जिस पे हो जाए बाबा की कृपा जिस पे हो जाए मौज उड़ाए ये अर्घ की योनि जिहेते तुमको अर्पत हो ध्यान तुकी जो शिव के ते भूमि समर्पत हो नंदीश्वर सिर जिन धाम पावन पुंज करो बसु दिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो नंदीश्वर दीप महान चारो दिस नंदीश्वर देव की जयमाला करते हैं बड़े ही भक्ति पूर्वक आप सभी परिक्रमा लगाएंगे आइए सभी जितने, हाँ जितने नाड़ी से परिक्रमा लगाएंगे बिल्कुल आया भक्ति भरा दिन ये सुहाना दीवाना है आए रे आए शरण तेरे आए आए रे आए शरण तेरे आए आया भक्ति भरा दिन ये सुहाना दीवाना मरा जिन पर दरबार ढोल बाजे रे मरा जिन पर दरबार ढोल बाजे रे बाजे जे ढोल बाजे रे ढोल बाजे रे मरा जिन पर दरबार ढोल बाजे रे 163 कोण जो जन्म लाग 84 एक दिस मेला 8वां द्वीप नंदीश्वरम वासरम मौन भवन प्रतिमा नमो सुखकरम शारद से 4 अंजन गिरी राजही सैस 84 एक दिस छा जही सैस 84 एक दिस छा जही डोल समय गोल ओ परतले सुंदरम बोन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम एक एक 4 दिस 4 सब बाबरे एक एक लाख जो जन अमल जल भरे चहु दिशा 4 बन लाख जो जन भरम बोन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम सोल बापीन मदि सोल गिरी ददिमुखम सैस 10 महा जो जन लखत ही सुखम बावरी कौन दो माही दो रति करम बौन बाबन प्रतिमा नमो सुख करम सेल 32 एक सहस जो जन कहे 416 मिले शर्व बाबन लहे एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम वन वावन प्रतिमा नमो सुख करम बिम अट 100 मही सोई देव देव सर्व नयन मन मोहय 5 से धनुष तन पद्म आसन परम बौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम लाल नक मुख नयन श्याम अरु श्वेत श्याम रंग बहु सिर केस छव देत बचन बोलत मनोहर संत काल सुहरम बौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम कोट शशि भान दुत तेज छिप जात महावैराग पर नाम उठे रात बयन नहीं कहे लक होत सम्यक धरम बौन बाबन प्रतिमा नमो सुख करम नंदीश्वर जिन धाम प्रतिमा मम मह को कहे ध्यानत लीनो ना यही भगत शिव सुख करे। चलिए आ जाए सभी लोग अपने स्थान पर और बड़ी भक्ति के साथ हम जयमाला कार के भी समर्पित करेंगे। ॐ ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे
पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशु दिवि पंचाश जिनालय जय पद्माभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम जयमाला पूर्ण महार्घम नर्वपामी स्वाहा शांति शांति धारा हेलो दिव्य पुष्पांजलि क्षिपे आठों तरफ समार जानक देखो छावसो भगवात आपने वार दस लक्षण पूजो सदा ओम रीम तम क्षमा मार दो हर जव संग सत संयम तप त्याग किंचन ब्रह्म चेत दस लक्षण धर्मी पुन मार गम द्रो भामिति आठ द्रव निर्धार उत्तम सोत्तम लिए जन्म रोग निर्वार सम्यक रत्न बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बोलिए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की मंडप पर आए स्थापने पेज नंबर 13 निकालने पेज नंबर 13 पेज नंबर 13 निकालने सभी संस्कृत की पूजा है यंत्र पूजा वो करेंगे पहले यंत्र पूजा लिखा होगा यंत्र पूजा संस्कृत में देखिए जिनवाणी जो मेरे पास किताब है उसमें 13 नंबर है बाकी आप अपने हिसाब से निकाल लेंगे यंत्र पूजा है संस्कृत वाली चलिए पहुंचे परमेश तीन जगह त्राणी करणी मंगलोत्तम इतः शरण तिष्ठन्तो सन्निधौ भवपावनः ओम रीमरम स्थापना करें पंकज जी मंडप पर आ जाएं और कोई रह गए हो आ जाएं ई यंत्र पूजा की स्थापना है विधान की स्थापना बाद में होगी ओम रीमरम शिया उषा मंगलोत्तम सन पूजनीय पंच परमिष्टि नत्रे अवतर अवतर शमो षडित्यावाननम ओम रीमरम शिया उषा मंगलोत्तम सन पूजनीय पंच परमिष्टि नत्तो तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम रीमरम शिया उषा मंगलोत्तम सन पूजनीय पंच परमिष्टि नत्र मम चन्नितो षट चन्निधिकरणम पुष्पांजलिम क्षिपेतो चलिए आ जाइए सभी लोग अपने स्थान पर आ जाएं सभी स्थान पर आए अपने जय सौगम धवधवी सलिलय पवित्र हर हर पदावा शित मंगलादीन प्रत्योगनार्थमगम्य जामी ओम रीम रम श्याउ शमगुल तुम सनभुज पंच परमिष्ट पुनमा जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलम द्रोपामिति काश्मीर कर्पूर क्रेत त्रिवेणे संसारिता पाप के तो ये तेने अरे घर पदावा सित मंगला दी प्रेत्यो होना सात महम्य जामी ओम रीम रम सिया उसा मंगलो तुम संभुजने पंच परमिष्टि बुनुमा संसार ताप विनाशने चंद्रम रोपामिति साल्यक्षते रक्षे तामूर्ति मधुवे रवजादिवासिन सोगंध्य वधवे अरे घर पदावा शीत मंगलादि प्रेत्यो होनार सात महम्य जामी ओम रीम रम स्याउ समुगलो तुम सर्वजनि पंच परमिष्टि पुनमा अक्षय पद प्राप्त स्थान द्रोपामिति कदम्य जात्यादि भावैशुदि मे जाति मनो जाति विपास दक्षय अरे हर पदावा सित मंगलादि प्रेत्यो होना सात महम्य जामी ओम रीम रम श्याउ श्यामंगलो तुम सनभुज पंच परमिष्टि पुनमा काम बाण विद्वंस पुष्पम द्रोपामिति पियो सो पिंडे के सांक कांते वेदा विने से ने ना प्रिय से हर हर पदावा शित मंगलादीन नारसात मगम्य जम ओम रीम रम श्याउ शमगलो तंसन भुजे पंच परमिष्टि पुनवा छुदारोग विनाशने निविद्यम द्रोपामति द्वस्तांद कारा प्रिशेशो दीपे प्रेते भावी रत्न देवा हर हर पदावा शित मंगलादीन प्रेत्यो गणासान मगम्य जामी ओम रीम रम श्याउ शमगलो तंसन भुजे पंच परमिष्टि पुनमा मोहंदकार विनाशने दीपम द्रोपामिति शौकीय धूमिन नवो वकासा
चित मंगला दिन प्रत्योगी मन चौचम पंचपरमेश अष्टकर मुदयनाय धूपम द्रोपावती नारंग भोगादि फल अर्घं तो मंसादि प्रिय दर्प कैसे अर्हत पदा भाषित मंगला दिन प्रत्योग ओम नमः शिवाय उषा मंगलोत्तम सनभुजे पंचपरमेश्वरि पुरमा महामोक्ष फल प्राप्ते फलम द्रोपामिति अक्षमा सुधि चंदनाक चतुसुमय नैवेन्दु के शारवि दीपर दोपे फलोत्तमे सुमेदते रेवे सुपातिस्तते अरहत सिद्ध शुचूर पाठक मुनीन लोकोत्तमान मंगलान प्रत्योह निबत्ते शुभकृता सेवे सरण्यान्यहं ओम रिया श्याउषा मंगलोत्तम सनभुजे पंचपरमेश्वरि पुरमा अर्घं द्रोपामिति। चलिए अब सत्रह अर्घ चढ़ाएंगे हम सत्रह महापदों के। सत्रह महापद कौन कौन से होते हैं बताइए, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, जब दर्शन करते हैं तो इन सत्रह महापदों का स्मरण करते हैं। कौन कौन से होते हैं वो सत्रह महापद? पांच परमेष्टि, चार मंगल, चार उत्तम और चार चतारी शरणम पवज्जामि बोलते ना, तो चार शरण। कौन कौन से? पांच परमेष्टि, चार मंगल, चार उत्तम और चार शरण। इस सत्रह क्या होते हैं? महापद। इन महापदों की हम यहाँ पर आराधना करेंगे, अर्घ चढ़ाएंगे सीधे सीधे। ओम ह्रीम अने चतुर्ध्यादि लक्ष्मी वेते अर्हत परमेष्टि बुनवा अर्घं द्रोपामिति। ओम यस्का भी सिद्ध परमेष्टि बुनवा अर्घं द्रोपामिति। ओम पंचाचार प्राणाचार परमेष्टि बुनवा अर्घं द्रोपामिति। द्वास्थान पठन उपाध्याय परमेष्टि बुनवा अर्घं द्रोपामिति। त्रयोदश प्रकाचार साधु परमेष्टि बुनवा अर्घं द्रोपामिति। ओम अर्हत मंगलाय नमः अर्घं द्रोपामिति। ओम सिद्ध मंगलाय नमः अर्घं द्रोपामिति। ओम साधु मंगलाय नमः अर्घं द्रोपामिति। वैत लोकोत्तमाय नमः अर्घं द्रोपामिति। ओम सिद्ध लोकोत्तमाय नमः अर्घं द्रोपामिति। ओम साधु लोकोत्तमाय नमः अर्घं द्रोपामिति। ओम केवली प्रत धर्म लोकोत्तमाय नमः अर्घं द्रोपामिति। ओम अर्हत शरणाय नमः अर्घं द्रोपामिति। ओम सिद्ध शरणाय नमः अर्घं द्रोपामिति। ओम साधु शरणाय नमः अर्घं द्रोपामिति। केवली प्रत धर्म शरणाय नमः अर्घं द्रोपामिति। संसारे दुख घनो निपुणं जनानां नाद्यते चक्रमिति शक्ति दशा प्रमाणं संपूजये विभेदवति वरावनं रे शान्तिपदं भुवने मोक्ष पदार्थ सार्थे। ॐ ह्रीं श्री औच मंगलोत्तम सर्वे पंचपरमेष्टि अर्घं द्रोपामिति। विघ्न विनाश निमिदौ शुरमद्रनाथ। चले जयमाला पढ़े। विघ्न विनाश निमिदौ शुरमद्रनाथ अग्रेसरं जिनपवंतो भवंतो मिष्टं नादं युगमंतन मंत्रकारे। इसमें एक मिनट, इसमें जो जयमाला लिखी है थोड़ी सी अशुद्ध है। गृहस्थ कार्य धर्म, इसमें गृहस्थ कार्य जो शादी विवाह होती है उसके समय पढ़ी जाने वाली है, वो गणेश साख्य, इसमें थोड़ा सा अशुद्ध है, इसलिए मैं दूसरा ऊपर ही पढ़ता हूँ जो सही है। विघ्न विनाशन में दौसुर मद्रनाथ अग्रेसरम जन भवंतविष्टम अनादन योग मंत्रकारी विघ्न गोवारण गतिमतिष्मणामि गणाना मुनी नामदी तस्वस्ते गणेशाख्य ते भवंति स्तुवंती सदा विघ्न संदोह सांतर्जनानां करे संकुलाय क्षुते क्षेम कानां करे प्रवीत में सुपरवर्तन गणराज नाम न्याय वाक सुधा तो सिद्ध पपी जीवो योग ज्ञान पी उसे पयोति तुल्ला साहेब राजो गणराज नाम न्या नृज बाबा नृज माता तुम मांत्रण परा भवंती जय जगन्नाथ कुबेरतम कोटि वर्ष प्रमाणम। ओम रीम श्याउश मंगलोतम सनभुजीन पंच परमिष्टि पुरमा अनर्घ पद प्राप्ति अर्घम जयमाला पूर्णमा अर्घम द्रोपामिति स्वाहा इति आशीर्वाद पुष्पांजलिम छिपेतु शांति शांति धारा। बोली अनंतानंद सिद्ध परमिष्टि भगवान की उपजुत्ता धनसिणी नाणिया सायारुमणायारा लखण में तुसे दाड़म मूलो तर्पणीणम बंधोदय सत्य कम हो मुका मंगल भोदा सिद्धा अठ गुणातीत अठवीय कम वियला सीती भूताड़ रंजनाणिचा अठ गुणा किच्चा लो यगड़ वाशिड़ो सिद्धा सिद्धाड़मला विशुद्ध बुद्धि दिशा भावा त्यूवण सिर से हरिया पसियम तू भड़ाई रा सबे
गमणा गमण विमुके बेटे कंपय संघादा जय मंगल भूदानम विमुलाणम नाण दंसणम याणम तैलो ऐसे राणम रमो सदा शब्बुषेदानम सम्मत्तनाण दंसण वीरी सोमं तवेव अवगहणम अगुरु लगो अब्बा भागम अठ गुणा होंति सेदानम तव सिद्धिण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धिया प्राणमी दंशनमी सिद्धि सिरसाड इच्छामि वंते सिद्ध भक्ति सिद्धानम चरित सिद्धानम समुदान समुदंसन सम चरित युतानम आदि दानम मान कालते सिद्धानम सयाडिच कालम अज्जेमि पूज्यमि वंदामि नमस्यामि दुखकौ कम्मकौ बोहिलाव सुगैगमनम शमादि मरणम जिनगुण संपत्तु ओहुमज्जम श्री सिद्धि चक्र महामंडल विधान प्रारंभ करणार्थम सर्व मंगल करणार्थम सर्व विघ्नमानार्थम काय उत्सर्ग करोमि हम नौ बार ओंकार मंत्र का जाप करें से वही सिनमी सहस गुणित विस्तार सिद्ध चक्र पुजार चो शुद्ध त्रियोग समार नित्याश्रित धनपति सुधी शीलादिक गुण खार जिन पद अंबुज भ्रमर मन सो प्रशस्त यजमान दिस काल विधि निपुण मति निर्मल भावोदार थोर वेन नैना सुधर सो नायक निर्धार रत्न त्रेमंडित महा विषय कसाय नले संसंदित मन मोहत यथा योग सुंदर अनोग चिंद्राम अनुपा दीरग मोल सुडोल वसन जग जोल सरूपा कोविद साल प्रासु के दरब सरब अंग मन को सो महाभाग आनंद सहित जो जिनेन्द्र अर्चा करे चलिएगा अब मंडप पर देखें चार दिशाओं में और चार विदिशाओं में पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायु इसमें अलग अलग बीजाक्षरों के अर्घ चढ़ेंगे सौधरबिंद जी खड़े हो जाएं पूरब सौधरबिंद जी पंकज जी खड़े हो जाएं हाँ आप लोग को अपने अपने पद याद है ना कौन कौन से पद पर हो यज्ञनायक जी कौन है आप यज्ञनायक हो ईशान कौन है अब एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं हम ही तो नहीं है सौरभ जी कौन है आप चलें आ जाएं और सनत कुमार महेंद्र चलें खड़े हो जाएं आज कल सबकी अलग अलग भक्ति कराएंगे बढ़िया सुंदर सी हाँ जी बढ़िया सिद्ध चक्र सो थाप हो दिविदव जल उन्हा अरम शब्द प्रसिद्ध अर्ध मात्रिक कहा अकार आदि स्वर मंडित अति सोवाला अति पवित्र अष्टांग अर्घ कर लायके पूरब दिस पूजो अष्टांग नमायके चले वहां पर भगवत जी बता देंगे सबसे पहले पूरब में चढ़ेगा पहले पूरब में चढ़ेगा फिर आग्नेय में चढ़ेगा फिर दक्षिण में चढ़ेगा ओम ह्रीम अरम आ ई उ ऋ ऋ ऋ ऋ ऋ ए ऐ ओ अनंग अनाथ प्रक्रमाय सिद्धाधिपति पूरब दिशि अर्घंद्र पामिति सह वर्ण वर्ण कवर्ग महान अष्ट पूर्व विद अर्गले भक्ति भाव और ठान पूजो हो अग्नि दिशे ओम ह्रीम अरम का गा गा गणा प्रक्रमाय सिद्धाधिपति अग्नि दिशि अर्घंद्र पामिति वर्ण च वर्ग प्रसिद्ध वसु विद अर्ग उतार के मिली है वसु विद रेदि दक्षिण दिश पूजा करो ओम ह्रीम अरम चाचा जाजनाथ प्रक्रमा सिद्धाधिपति दक्षिण दिशि अर्घं द्रोपामिति करो ओम ह्रीम अरम टाटा जाजनाथ प्रक्रमा सिद्धाधिपति नैऋत्य दिशि अर्घं द्रोपामिति स्वाहा वर्ण तवर्ग मनो यथा योग कर अर्घ धर मिलि है सब शुभ यो पूजन कर पश्चिम दिशा ओम ह्रीम अरम टाटा जाजनाथ प्रक्रमा सिद्धाधिपति पश्चिम दिशि अर्घं द्रोपामिति वर्ण पवर्ग मनो वर्ण पवर्ग सुभा करो आरती अर्गले सब विद आरत त्याग वायव दिस पूजा करो ओम ह्रीम अरम
धर्व अर्घ वसुद्रभ कर भाव अर्घ कम अर्घ बनाए के नसे कर्म वसुवंत पूजो हो ईशान दिसे चलिए स्थापना करें। अब यहाँ पर स्थापना में लोग से स्थापना करें पहली पूजा की। आइए बड़ी सिद्धि चक्र महामंडल विधान की। आइए चलते हैं बड़े भक्ति भाव से। अरे सिद्धों के दर, सिद्धों के दर, सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो भगवान। सिद्धों के दरबार में हमको भी बुलवा लो जिन बन सिद्धों के दर। बहुत बहुत गुड। उरद अदो सुदीप संबिनु अंकार विराजे अकारादि स्वर लिप्त कर्ण का अंत सुचाजे वर्गन पूरित वसुदल अम्बुज तत्व संधिधर अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहत अतिवर पुने अंत ह्रीम भेड़ो परम सुर ध्यावत अरे नाग को है केहर संपूजन निमित सिद्ध चक्र मंगल करो। चलिए स्थापना करें। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम अष्ट गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टिभ्यो गात्री अवतर अवतर शमो षडित्यावाननम। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम अष्ट गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः आत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापन जय हो जय हो। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम अष्ट गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः आत्र मम शन्नितो षट् शन्निधिकरणं पुष्पांजलिं क्षिपेतो। आइए चलते हैं। शीतल सुमसु शीतल सुम सुर विसुनीर कन कर्म रहित निरो सिद्धि चक्र सुथा भूमि रे भद्र योग सिद्धि स्थापने पुष्पांजलि छिपे तो। शीतल सुम सुर विसुनीर कंचन कुंभ वर पाहु भम सागर तीर आनंद भेंट दर संतरगत अष्ट स्वरूप गुणमय राजद नमो सिद्धि चक्र से विभो अचल विराजत है। ओम ह्रीम नमो शुद्धाणम सम्मत्रणाणं दंसन बिडे सोत वैव अग्रण कुलु गपामट गुण संयुक्त परमेष्टि बुनम जन्म जरा मृत्यु विनाशनय जलम द्रोपामिति सह चंदन तुम बंधन हेत उत्तम मान्य गिना नातन सम काष्ट समेत ईदन ताहि वन अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमयी राजते नमो सिद्धि चक्र से विभूप अचल विराजत है। ओम नमो शुद्धाणम सम्मत्रणाणं दंसन बिडे सोत वैव अग्रण कुलु गपामट गुण संयुक्त परमेष्टि बुनम संसारता विनाशनय चंद्रम द्रोपामिति दीर्घ सस किरण समान अक्षत ल्यावत ससि मंडल संभव मान पूजि रचावत अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमय राजत नमो सिद्ध चक्र से विभोप अचल विराजत है। नमो सिद्धाणम सम्मत्रणाणं दर्शन सवे गण गुलाब वट गुण से सिद्ध परमेष्टि पुनम अक्षपद प्राप्त स्थान रूपामिति तुम चरण चंद्र के पास पुष्प धरे सोय मानो नक्षत्रन की रास सोहत मन मोय अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमय राजत है नमो सिद्ध चक्र से विभोप अचल विराजत है। ओम ह्रीम नमो शुद्धाणम सम्मत्रणाणं दंसन बीरे सभितो अग्रण अगुलु अपडट गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टि पुनम कामण विद्वन सनाय पुष्पम द्रोपामति उत्तम ने वज बहु भाए सरस सुदासान ए मित्रन मंडल चाय भक्षण ओम गान अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमय राजत नमो सिद्ध चक्र से विभोप अचल विराजत है। ओम ह्रीम नमो शुद्धाणम श्री सम्मत्रणाणं दंसन बीरे सोहंत अभि अग्रण अगुलु लघु अभावम अट्ट गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टि पुनम क्षुधा रोग विनाशने पहली दीपन की ज्योत अति प्रकाश कर जिम स्वाद वाद उद्योत संशय तिमिर हर अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमयी राजत है नमो सिद्ध चक्र से विभोप अचल विराजत है। ओम ह्रीम नमो शुद्धाणम श्री सम्मत्रणाणं दंसन बीरे सोहं तवे अग्रण अगुलु गपावट गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टि पुनम मोहंधकार विनाशनय दीपं द्रोपामति ओम मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ पवर में नैया ढाल दे मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ पवर में नैया डाल दे ओ धन अग्नि धूप के ढेर गंध उड़ावत कर्मों की धूम बखे नोक जरा बत अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमयी राजत नमो सिद्धि चक्र से विभोप अचल विराजत है। ओम ह्रीम नमो शुद्धाणम सम्मत्रणाणं दंसन वीरे सोक्त अग्रण अगुलु गपट गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्टि पुनम अष्टक्रम दयनाय धूपं द्रोपामति सह जिम कर्म मन जिन धर्म बक्ष की डाल सब फल सोहत इम धर फल कंचन थाल भव मन मोहत अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमयी राजत नमो सिद्ध
चक्र से भोप अचल विराजत है। ओम ह्रीम नमो शुद्धानम सम्मतृणान दर्शन वीरतो ग्लोट सुगुण सिद्ध परमेष्टि पुनः मोक्ष फल प्राप्ति फलम द्रोपामिति करि दर्भ अर्घ बस जात याते ध्यावतो अष्टंग अष्टांग सगुण विख्यात तुम निंग भावतो अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमय राजत है। नमो सिद्ध चक्र से भोप अचल विराजत है। ओम ह्रीम नमो शुद्धानम सम्मतृणान दर्शन वीरतो सोहमंतव ग्लोट सुगुण सिद्ध परमेष्टि पुनः जलादि अर्घ द्रोपामिति स्वाहा निर्मल सरिल सुवास चंदन धवल अक्षत युत अने सुपुष्प मधुकर नित रमे चरु प्रचुर स्वादि सुबिधि गने अर्ति न साई युगपद ज्ञान दर्शन रूप है। दुख जन्म टाल अपार गुण सूक्ष्म स्वरूप अनूप कर बाष्ट विंत्रे लोके पूज अछेद शिव कमलापति उन देह से अवे चौगुण गे दोहम सुभमति। ओम ह्रीम नमो शुद्धानम श्री सम्मतृणान दर्शन वीरे सो तब सिद्ध परमेष्टि पुनः जलादि अर्घ द्रोपामिति स्वाहा। देखिएगा अब आठ अर्घ चढ़ेंगे आज कितने मोहनास छाय के गुण पाया निज अनुभव प्रत्यक्ष स्वरूपा नमो सिद्ध समकित गुण भोपा। ओम ह्रीम शमित्वाय नमः जलादि अर्घ द्रोपामि सकल त्रधा सट द्रव्य अनंता युगपत जानत है भगवंता निर आवरण विसद स्वाधीना ज्ञानानंद परम रसलीना। दूसरा ज्ञान कैसा ज्ञान की हे सिद्ध परमेष्टि भगवान आप तीनों लोकों के छह पदार्थों की अनंत पर्यायों को एक साथ जान लेते हो ऐसे सिद्ध परमेष्टि भगवान के चरणों में ऐसा ज्ञान आपके अंदर विद्यमान है। ओम अनंत ज्ञानाय नमः अर्घं द्रोपामि चच्चु अचाचु अवध विदिनासी केवल दस ज्योति पर काशी सकल के युग पत अब लोका उत्तम दर्श नमो सिद्धों का। चले कैसा दर्शन की हे सिद्ध परमेष्टि भगवान आपने चक्षु अचक्षु अवधि दर्शनावरण आदि दर्शनावरण कर्म प्रगतियों का क्षय करके केवल ज्योति रूप को प्रगटाया है ऐसे सिद्ध परमेष्टि भगवान। ओम रीम अनंत दर्शनाय नमः अर्घं द्रोपामिति अंतराय विधि प्रगति अपारा जीव शक्ति घाते निर्धारा ते सब घात अतुल बल स्वामी लसत अखेद सिद्ध प्रणमामी। हे सिद्ध परमेष्टि भगवान आपने अंतराय कर्म की अनेक प्रगतियां हैं सभी का क्षय करके अंतराय कर्म सभी प्रगतियों का घात करके आपने अतुल बल को प्राप्त किया है। ओम ह्रीम अतुनंत वीर्याय नमः अर्घं द्रोपामिति सहा रूपातीत मन इंद्रियताही मन परिये हो जानत नाही अलख अनूप अमित अभिकारे नमो सिद्ध सूक्ष्म गुणधारे। सूक्ष्म आय कितना इतने सूक्ष्म के हम उन्हें अपने नेत्रों से भी नहीं देख सकते। ओम ह्रीम सूक्ष्माय नमः जलादि अर्घं द्रोपामिति एक क्षेत्र अवगाह स्वरूपा भिन्न भिन्न राजे चिद्रूपा निज पर घात विभाव बिडारा नमो सोहित अवगाह अपारा। ओम ह्रीम परमावगाय नमः अर्घं द्रोपामिति परिकृत ऊंच नीच पद नाही रमत निरंतर निज पद माही उत्तम अगुरु लघु गुण भोगी सिद्ध चक्र ध्यावे नित योगी। ओम नी अगुरु लघु गुण जलादि अर्घं द्रोपामिति नित्य निरामे भव भे भंजन अचल निरंतर शुद्ध निरंजन अभ्याबाद सोई गुण जानो सिद्ध चक्र पूजन मनो मानो। ओम नी अभ्याबाद है नमः जलादि अर्घं द्रोपामिति। चले अब जो जुड़े हैं शो धर्मेंद्र कुबेर इत्यादि थोड़ा थोड़ा सी धूप से आहुति करेंगे कि कुंड पर आ जाएंगे कि कुंड पर आ जाएंगे बिल्कुल थोड़ा सा कपूर जला कृष्णाय नमः। ओम अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम त्रयोदशविधि सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं अर्हमसि आयुष 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 नमः।
ओम ह्रीम रमसी औष नमः 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 ओम अष्टांग सम्यक् दर्शनाय नमः ओम अष्टांग सम्यक् ज्ञानाय नमः त्रयोदश विधि सम्यक् चारित्राय नमः स्वाहा। चलिए एक श्रीफल ले लें, जयमाला पढ़ें और चलते हैं। जगवारती भारते महागारती करी जय पाय विजय आरती तिने कहो पुरसारत गुण गाय जय करन कृपाण सुप्रथम बार मिथ्या सुभटकी नो प्रहार दृढ़ कोट विपरिमति उलंग पायो समकित थल थिर उभंग स्वपर विवेक अंतर पुनीत स्वरुच वर्तायो राजनीत जग विभव विभाव असारिये स्वातम रुक रस विपरीत दे तिन नासन लीनो दृढ़ सवार शुद्धोपयोग चित चरण सार निर्ग्रंथ कठिन मार्ग अनुप हिंसादिक कारण सुलभ रूप द्वे बीस परिशय सहन भी
बहिरंतर संयम धरण धीर द्वादश भावन दस भेद धर्म विदिनासन बारे तपस परम शुभ दया हृत नर समिति धार मन शुद्ध करण त्रय गुप्ति धार एकाकी निर्वैन सहाय बिचरो प्रमत नास उपाय लक मोह शत्रु पर चंड जोर तिस हनन सुकल दल ध्यान जोर आनंद वीर रस ही ये छाय छायक श्रेणी आरंभ था बारम गुण था नक ताहि नास तेरम पायो निज पद प्रकाश नब केवल लब्धि विराजमान दे दीप्यमान सोए सुवान तिस मोह दुष्ट आज्ञा एकांत थी कुमति स्वरूप अनेक बार जिन वाणी करता को विहन कर शाद्वाद आज्ञा प्रचंड बदलायो जग में सुमति रूप बब जन पायो आनंद रूप थी मोहन पति उपकर्ण से चारों अघातियां विदिशे है न पति सनातन रीत ये अरे विमुख न राखे नाम दे यो तिन नासन उद्दम सुठीन आरंभ्यो परम सुकंध निज बल कर तिन की तित विनाश पायो निर्वय सुख निध निवास ये अक्षय जो नहीं आवाज पुन अंश न पायो शत्रु व्याम स्वासत स्वास्त्रित सुख श्रे स्वामी है शांति संत तुम कर प्रणाम अंतिम पुन सारत फल विशाल तुम बिलसो सुख सो अमित काल पर रस में विदोनित पूरित स्वयं सुख समय सार चेतन रूपा नाना प्रकार पर काबिकार सब टार रसे सब गुण भोपा ते निरावरण निर्देह निरूपम सिद्ध चक्र पर सिद्ध जजो सुर मुनित ध्यावे आनंद पावे मैं पूजत भव पार दजो है इंद्रपति सनातन रीति एह अरि विमुख न राखे नाम ते है। बहुत सुंदर भाव इसमें लिखा है कि हे भगवान जिस प्रकार से राजाओं की यह नीति रही है कि वे अपने शत्रुओं का नामो निशान भी नहीं छोड़ते हैं उसी प्रकार से हे सिद्ध परमेश्वरी भगवान आपने अघातिया कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने के लिए उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान को प्राप्त किया है उसके बाद तिस बल कर तिनकी स्थिति विनाश पायो निर्भय सुख निधि निवास की हे भगवान आपने उस शुक्ल ध्यान के बल से अघातिया कर्मों का भी नष्ट कर दिया है ऐसे सिद्ध परमेश्वरी भगवान को हम यहाँ पर नमस्कार करते हैं चलिए आए और अर्घ समर्पित करें सब लोग अपने हाथ लगा लें आज हमने 8 अर्घों के माध्यम से जो सिद्ध परमेश्वरी भगवान के मूल गुण होते हैं 8 समत तणाण दंसन बीरे सोहम तभी वगैरणम अग्रु लघु अब्बा बाहम अठ गुणा होती सिद्धालम उन सिद्ध परमेश्वरी की हमने 8 गुणों से आज आराधना की अब क्रमशः पूरे सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की गुणों की आराधना की गई है आज 8 हैं कल हम 16 परसों 32 उसके बाद फिर 64 में हम 64 रिद्धियों की एक एक जो रिद्धि हम प्रतिदिन पढ़ते हैं नित्या प्रकम्पाद बुध के विलौघा ये वही वाली रिद्धियां हैं जो हम 64 रिद्धि विधान के अंतर्गत यहां पर करेंगे चलिए आ जाए पंकज जी को बुला लें श्री वीरे शांति करो भवत भरे इति शांति शांति धारा पुष्पांजलिं क्षिपेतो चले जिनवाणी कार्य जल चंदन अक्षत पोल चरो अरुदीप दो पवति पल लाबे पूजा को ठानत सो तुम जानत सो नर ध्यानत सुख पावे तीर्थंकर की धनगढ़ धरने सुन अंगिरचे चुन ज्ञान मये सो जिन वन माने शिव सुख दाने त्रभुवन माने पूज भये हेलो द्रोपामिति स्वाहा उदके चंदन तंदुल पुष्प के चर सुदीप सुदूप फलार्घ के धवल मंगल गाने रवा गोले जिन ग्रही गुरु देव महम जी
ओम ह्री राजमाने उन सभी के चरणों में जल प्रलाद मार घमद्रो पामी थी सह में देव श्री अरे घंते पूजो चेत पूजो चावेसो आचार्य श्री उवचाय पूजो साधु पूजो भावेसो हरिहंत वासित बेन पूजो द्वाद सांग रचे गने पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव है ते सब आसाहने सर्वज्ञ वासित धर्म दस बिद दया में पूजो सदा जजु भावना सोण श्रतन त्रय जाविना नहीं सेव कदा त्रैलोक क्रे क्रेत मुत चेत चेत्य हले जजो पन मेरो नंदी स्वर जनाले कचर सुर पूजित भजो कैलाश श्री समेत श्री गिर नार गिर पूजो सदा चंपा पुरी पावा पुरी पुनी और तीरथ सर्वदा चौबीस श्री जिन राज पूजो बीस क्षेत्र विदेह के नामावले एक शेष बस जब होए पत शिव गे है के जल गंगा पुष्प जरू दीप धूप फल लाए सर्व पूज पद पूज हो भव विधि भक्ति बढ़ाए ओम रीम अरण सिद्धाचार उपाध्याय सर्व साधु पंच परमिष्टि बुनवा द्वाद सांगजन का में बुनवा उत्तम चमादि दशलक चंद्र में बुनवा सम्मेत सिगर उर्जन तिगिरी चंपापुरी पावापुरी सिद्ध क्षेत्र बुनवा साथ ही सिद्ध क्षेत्र बुनवा विद्यमान विस्तीथंकर बुनवा शांति नाहत मुख ससी उन्हारे शील गुणा व्रत संयम धारे लखन एक सौ आठ विराजे निर्गत नयन कमल दल लाजे पंचम चक्रवर्ती पद धारे सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेन्द्र पूज्य जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य बट बहुपन की वर्षा दुंदवियासन वाणी सरसा छत्र छवर भा मंडल भारे ये तुम प्रतिहारे मन हारे शांति जिन से शांति सुखदाय जगत पूजे पूजो सिर नाय राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले कीजे सुखी है जन शांति को दे होवे सारी प्रजा को सुखवलित हो धर्मधारी नरेसा होवे वर्षा समय पे तिल भरना रही व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी ना जारी सुसमय बढ़ते हो ना दुष्काल मारी सारे ही देशधारी जिन पर विश्व को जो सदा सुखकारी घाती करम जिन नासिकर पायो केवल राज शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज कलश नीचे रखें दोनों हाथ जोड़ें दृष्टि भगवान की ओर करें मंगल भावना भाएंगे कि हे जिनेंद्र भगवान शास्त्रों का हो पठन सुगदा लाभ सत्संगति का सदवित्तों का सुजस करके दोष ढांकू सभी का बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं तोलो से चरण जिनके मोक्ष ज्वलो ना पाऊं तपत मेरे ही में मम ही आपके पुनी चरणों में तबलो लीन रहूं प्रभु जबलो ना पाया मुक्ति पद मैंने हे भगवान इस पूजन में विधान में हमारे माध्यम से अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कछु कहा गया मुझसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो करुणा कर छुड़ाओ वह दुख से हे जगवंद जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलहारी मरण समय सुदुर्लभ कर्मों का छह शुभोद शुकोकारी यदि शांति भक्ति समाधि भक्ति प्रत्ये पुष्पांजलि छिपे तो कायु सर करो मैं नोबाण मुकार मंत्र का जाप करें बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई तुम पिशाद ते परम गुरु शोशव पूरन हो पूजन विद जानो नहीं नहीं जानो आभान और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान मंत्रहीन धनहीन हूँ क्रियाहीन जिन दे क्षमा करो राखो मुझे देव शरण की से आराध पदे पूजे भक्ति प्रमाण पूजा विसर्जन में करो सदा करो कल्याण ओम राम
ह्रीं ह्रूं रवराशि औषधमार्थादि पञ्चपरमिष्टेन पूजा विधि विसर्जनं करोमि अपराध क्षमापणं भवतु जह 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 श्री जिनवर के आस काले जैसे से चढ़ाए भव भव के पातक दे दुख दूर हो जा दुख दूर हो जा। कल से एक कलश में गंदों तक बचा के रख लेंगे। जो महासती मैना सुंदरी बनी है जब सभी परिक्रमा करेंगे श्री सिद्ध चक्र का पाठ किए वो सबके ऊपर गंदों तक क्षेपण करेंगे। अगर अभी कलश में हो तो दे दे उन्हें नहीं तो कल से बचा के रखना ही। बोली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ डाट से प्राणी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ डाट से प्राणी फल पायो में नारानी। मैना सुंदर एक नारी थी कोणी पतलक दुखिया रेत नहीं पड़े चैन दिन रेन बतित अगुलानी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ टाट से प्राणी फल पायो में नारानी। जो पति का कष्ट मिटा होंगी हो जो पति का कष्ट मिटा होंगी तो उभे लोग सुख पाओगे नहीं अजगल इस नतिन सफल जिंदगानी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ टाट से प्राणी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ टाट से प्राणी फल पायो में नारानी। बैठी मुनि को करे नमस्कार हो बैठी मुनि को करे नमस्कार निज निंदा करती बार बार पर अश्रु नयन कर मन सौद गल कहानी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ टाट से प्राणी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ टाट से प्राणी पल पायो में नारानी। बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी पल पायो में नारानी। सुन साधु बचन हरसी में ना सुन साधु बचन हरसी में ना नहीं होए झूठ मुन के बैना करके सदा श्री सिद्ध चक्र की ठानी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ टाट से प्राणी फल पायो में नारानी। जब पर्व अठाई आया है जब पर्व अठाई आया है उत्सव युद्ध पाठ कराया है सबके तन छिड़का यंत्र नवन का पानी फल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ टाट से प्राणी फल पायो में नारानी। गंधों तक छिड़कत बस दिन में हो कंधों तक चुंडकत वस दिन में नहीं रहा कुष्ठ किंचित वन में। ओ भाई सात शतक की काया स्वर्ण समानी पल पायो में नारानी। भव भोगी भोगी योगी सिबाई श्री पाल कर्म हन मोक्ष गए दूजे भव में ना पावे शिव रज धानी पल पायो में नारानी। जो पाठ करे मन वचतन से वे छूट जाए भव बंधन से मक्खन मत करो विकल्प कहा जिन वाणी पल पायो में नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ टाट से प्राणी पल पायो में नारानी पल पायो में नारानी पल पायो में नारानी। बोली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। आदिनाथ भगवान की अष्टानिका महापर्व की जय।